नमस्कार, सनातन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई स्वदेशी कंपनी जब पूरे विदेश में बोलबाला जमाती है तो पूरे देशवासियों को गर्वान्वित महसूस होता है। इसी सिलसिले में आइए आज एक खबर आपको बताते हैं। स्वामी रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण जी ने कई विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है, यानी अब स्वदेशी का बोलबाला है। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि फूड्स के ऑफर फॉर सेल यानी OFS पर जून में आ जाएगा। इसके तहत प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े फंड्स की कंपनी में निवेश की दिलचस्पी है। कंपनी सिंगापुर, अमेरिका, यूके में रोड शोज करने की योजना पर काम कर रही है। पतंजलि फूड्स FMCG सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर चुकी है। कंपनी की ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए स्वामी रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण जी प्रतिबद्ध है। कंपनी का पाम प्लांटेशन में अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। नतीजों पर स्वामी रामदेव ने कहा कि कामकाजी मुनाफे का 72% हिस्सा फूड में आता है। कंपनी को फूड बिजनेस से मजबूती मिली है। स्वामी रामदेव ने आगे कहा कि फूड बिजनेस से करीब 2000 करोड़ रुपए की आय संभव है। अगले 5 साल में मुनाफा 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, ये टारगेट है कंपनी का। FMCG कंपनी ने 30 मई तिमाही नतीजे जारी किए थे। इसमें आय 7872.92 करोड़ रुपए रही, जो कि साल भर की पहले की समान तिमाही में 6663.72 करोड़ रुपए की थी। इसी तरह मुनाफा भी 234.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 263.7 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि मार्जिन 6.09% से घटकर 4.14% रहा है। दमदार नतीजों के साथ साथ 6 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी मिली है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मेहनत रंग लाई है और अब पतंजलि का पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी बोलबाला है। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सनातन न्यूज। धन्यवाद।